Hello everyone, welcome back to my channel. पिज्जा खाना हर किसी को बहुत पसंद होता है, पर हमेशा हम पिज्जा तो बना नहीं सकते. हेल्दी तो वो होता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो मैदा से बनता है. इसीलिए मैं उसका ऑल्टरनेटिव लेके चली आई हूँ. आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, ब्रेकफास्ट कह लीजिए या फिर आप इसे स्नैक्स के तौर पे बना सकते हैं, वो है पिज्ज़ा का ऑल्टरनेटिव, पिज्ज़ा पराठा. अब ये पिज्ज़ा पराठा कह लीजिए या पिज़्ज़ा पैनकेक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनने वाला है. पूरा टेस्ट आपको पिज़्ज़ा का मिलने वाला है. मैदा का यूज़ नहीं करने वाले, ना इसे बेक करने वाले हैं, ना इसे फ्राई करने वाले हैं. बहुत ही ज़्यादा क्विक है. तो चलिए, आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हम इसे बनाना शुरू करते हैं. बनाने के लिए यहाँ पे 1.5 कप के करीब फ्रेश दही लेना है और 1 कप के करीब आपको सूजी ले लेनी है. सूजी आप मोटा वाला या महीन वाला कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं. इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे. दही और सूजी को मिला लेने के बाद अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं पिज़्ज़ा का टेस्ट देने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स. तो रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया. थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स्ड हर्ब्स ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा जो है ओरिगैनो ऐड कर दूंगी. ये तीनों अगर ना हो तो क्या करें, यहाँ पे आप कुटी हुई जो है धनिया पाउडर, मतलब धनिया के जो बीज होते हैं ना, उसको कूट कर ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा काली मिर्च ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे जीरा पाउडर, लाल मिर्च और गरम मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं. इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे. फिर उसके बाद जो है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पिज़्ज़ा का टेस्ट देने के लिए पिज़्ज़ा सॉस मैं ऐड करूँगी. तो पिज़्ज़ा सॉस यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब अच्छे से भर के 2 से 3 टीस्पून के करीब पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दीजिए. अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो फिर क्या ऐड करेंगे? तो यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस की जगह ऑल्टरनेटिव उसका सेशवान सॉस, वो ऐड कर सकते हैं. अच्छा, वो भी ना हो तो क्या ऐड करें, घर की चटनी ऐड कर सकते हैं. कोई भी आप, जैसे लाल मिर्च और टमाटर की चटनी हो, गार्लिक की चटनी हो, वो ऐड कर दीजिए. मतलब आप जो है इसका जुगाड़ भी कर सकते हैं. उसे ऐड कर लेने के बाद मिक्स करके यहाँ पे थोड़ा सा यानी 2 टीस्पून के करीब पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी सही कर दूंगी मैं. और कंसिस्टेंसी सही कर लेने के बाद यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने नमक नहीं ऐड किया. कंसिस्टेंसी हमें ऐसी चाहिए. नमक इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में नमक होता है. अब इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं. आधे घंटे बाद सूजी फूल चुका है तो 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा ऐड कर दूंगी. और सोडा ऐड करने के बाद तुरंत इसे हमें पकाना है. इसीलिए सोडा पहले नहीं ऐड किया, नहीं तो उसका रिएक्शन खराब हो जाता, मतलब ख़त्म हो जाता. इसीलिए सोडा तब ऐड किया जाता है जब आपको इसको पकाना हो. अब पैन में 2 से 3 टीस्पून के करीब यहाँ पे ऑयल ऐड कर देंगे. और ऑयल को क्या करना है, हमें स्प्रेड कर देना है पूरे अच्छी तरीके से. पैन को कोट कर देना है ऑयल से. तो ब्रश की मदद से इसे हम अच्छी तरीके से कोट कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा, ये देखिए. और अब क्या करेंगे, पूरा प्रिपेयर किया हुआ बैटर जो था वो 1 सर्विंग के बराबर था. अगर आपको 2 लोग के लिए बनाना है तो उतनी ही क्वांटिटी को डबल कर देना है. तो बस इसको जो है हम क्या करेंगे, पूरा जो है बैटर हमने इस पर डाल दिया और स्प्रेड कर देंगे बिल्कुल पैन केक की तरह. और पैन केक की तरह स्प्रेड कर लेने के बाद एक साइड से जब कुक हो जाए तो आप इसे जो है हिलाते जाइए. पहले तो आप हिलाते हिलाते इसे हल्का हल्का शेक करते हुए पकाइए ताकि ये जले ना. और फिर जो है आप चाहे तो इसे फ्लिप कर दीजिए तुरंत. और फ्लिप करके दूसरे साइड से भी जो है कलर आने तक, बिल्कुल ऐसा, ये देखिए मैंने फ्लिप कर दिया और दूसरे साइड से भी ऐसे ही कलर आ जाए. तो बस हम इसे निकाल लेंगे. पर हम चेक कैसे करेंगे कि ये पका है कि नहीं, तो ये देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ ना, स्पून की मदद से जो है स्पून के बैक वाले हिस्से को ऐसे अंदर डाली और ये देखिए बिल्कुल क्लियर निकला. इसका मतलब पक चुका है. आप चाहें तो टूथपिक भी डालकर चेक कर सकते हैं. ये रेडी है, इसे निकाल लेते हैं. तो बस हमारा टेस्टी सा पिज़्ज़ा फ्लेवर्ड, आप पैनकेक कहिए या फिर आप इसे चीला कहिए या पराठा कहिए, बनके रेडी है. अब ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्विक है. बच्चों को अगर ब्रेकफास्ट में कुछ अलग सा देना हो, बच्चे तो डिमांड करते ही हैं अलग ब्रेकफास्ट की, तो बस आप इसे बनाइए. मैंने पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे 4 हिस्से में डिवाइड कर लिया है. और केचप के साथ इंजॉय करिए. वैसे भी केचप के साथ नहीं भी इंजॉय करेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा बन के तैयार हो जाता है. बहुत ही ज़्यादा क्विक है. शाम के टाइम अगर आपको कुछ मन करे चटपटा सा खाने का, कुछ नया ट्राई करने का, तो इसे बनाइए. बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली ये रेसिपी है. आई एम श्योर कि आपने इसे कभी पहले नहीं ट्राई किया होगा. ये बहुत ही ज़्यादा नई रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है. और बनने में तो आपने देख ही लिया कितना मेहनत लगने वाला है. थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट, और इतना ज़्यादा टेस्टी सा बन के तैयार हो जाएगा. तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए. हम फिर मज़ेदार वीडियोस के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड.